الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون محترم هجرات سلسلة رهاتها रुकिया शर्या का इसके अंदर कई बहसों पर गुफ्तु हुई अल्हम्दुलिल्लाह और आज का दर्स हमारा ये है कि जन्ात के, के अहवाल क्या हैं जन्ात का तारफ़ क्या है जन्ात की हकीक़त क्या है इसके बारे में आज के दर्स में हम मुख्तसर तौर पर सुनेंगे और जन्नत के तारुफ और जन्नत के अहवाल को हम दो किस्मों में तकसीम करेंगे पहली किस्म जन्नत के अहवाल बयान करेंगे और दूसरी किस्म जन्त का ताल्लुक़ इंसानों से क्या है उसको हम बयान करेंगे आइए जन्त का तारुफ में जन्नत के अहवाल में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन इसका माना क्या है जिन का माना है छुपी हुई चीज चूंकि जिन्नात नजर नहीं आते इसीलिए इन्हीं ये नाम दिया गया है पेट में जो बच्चा होता है उसे जनीन कहते हैं इसलिए कि वह भी नजर नहीं आता ये जीम नून के मादे से जितने नाम हैं अगर उनको देखा जाए तो नई नजर आने वाली चीज जिन्नात पर ईमान लाना वाजिब है क्योंकि ईमान बिल गैब इस्लामी अकीदे की बुनियाद है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद ने फरमाया फ्लाम जालिकल किताब बफी हदलमुत मिनुना बिल्बी वो नजक नाफिकुन अलिफलाम ये किताब इसके अंदर कोई शक नहीं इसके अंदर जितने मसाइल हैं जरा बराबर भी इसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं है हदल्लमुतकीन अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं नमाज कायम करते हैं हमने जो कुछ उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं तो यह हुआ जिनका माना और उन पर ईमान लाना अब सवाल यह है कि जिन्नात की पैदाइश किससे हुई बराए मेहरबानी फोन सब रख दें फोन में

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुलिकतिल मलाइकतु मिन नूरिन फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया व खुलिकतिल जान मिन मारिजिम मिन नार और जिन्नात को पैदा किया गया किससे आग की ऊंची लिपेटों से वह खुल का आदम व मम्मा व सिफा लकम और आदमी को मिट्टी से ये तीनों की पैदाइश का जिक्र इस हदीस के अंदर मुस्लिम की इस हदीस के अंदर मालूम हुआ बाज लोग बहुत पढ़े लिखे लोग दुनियावी एतबार से इल बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी जिन्नात का इनकार करते हैं यानी उनका अकीदा नहीं है कि जिन्नात अल्लाह की कोई मखलूक है यह उनका अकीदा नहीं है मानते नहीं और जबकि पुराने मजीद के अंदर एक सूरत है सूरतुल जिन उनके अहवाल उसके अंदर बयान हुए हैं और इसी तरीके से अहादीज के अंदर बेशुमार जगहों पर जिन्नात का जिक्र आया है कुरान मजीद के अंदर जिन्नात का जिक्र आया है लेकिन नहीं मानते ये बहुत बड़ी गलती है बहुत बड़ी गलती है यह इनकार की वजह वह नजर नहीं आते वजह इनकार क्या है नजर नहीं आती अरे कितनी चीजें ऐसी ही नजर नहीं आती हवा नजर नहीं आती क्या इसका मतलब हवा नहीं है अल्लाह ताला ने बताया कि हमने जिन्नात को पैदा किया उनके अहवाल को बयान किया बाकायदा वो एक मखलूक है उसको मानना ये जरूरी है एक और बात इसके अंदर यह है जिन और शैतान में फर्क क्या है आमतौर पर यह चीजें दोनों चीजें कुरान हदीस के अंदर हैं ये दोनों अल्फाज हैं जिन का भी जिक्र है शैतान का भी जिक्र दोनों में फर्क क्या है असल में जिन्नात में नेक और बद अच्छे और बुरे जैसे इंसानों में हैं ऐसे उनमें भी हैं लेकिन जो शरीर किस्म के जिनको सरकश लोगों को तकलीफें पहुंचाना नाफरमानियां करना ये सब सिफात जिसके अंदर ज्यादा है, वो क्या है शैतान है वो। अल्लाह ताला, तुरानी मजीद के अंदर ज्यादा तौर पर जो है ऐसे मामलात में शैतान का ही जिक्र किया है शैतान शयातिन, शैतान शयातिन, शयातीन आब्ला शैतान हाँ, ये सब शैतान का ही जिक्र ज्यादा है बुरे मसा इन इन, इन शरारतों के तस्करे में उस मखलूक के अल्लाह ताला, सितारों के फायदे बयान करते हुए फरमाया वि शैतान इमारित सितारों के जो बहुत सारे फायदे हैं आसमानी दुनिया को जीनत बखचना रास्तों की रहनुमाई करना वहीं पर एक फायदा यह भी है वह हिफा मिंगुल्ली शैतान सरकश शयातीन जो आसमानों में चोरी छुपे सुनने के लिए जाते हैं तो ये सितारे उनके ऊपर टूट पड़ते हैं जिसकी वजह से वह जल भुन जाते हैं यह भी एक फायदा बयान हुआ तो यहां पर शैतान जिक्र किस मामले में आया चोरी छुपे आसमानों से बातें सुनने जाते हैं और अल्लाह ताला इंसानों को पैदा किया जिन्नात को पैदा किया लेकिन जो है कौन इन दोनों में अल्लाह ताला किन को पहले पैदा किया जिन्नात को या इंसानों को तो जाहिर सी बात है कि इंसानों से पहले अल्लाह जिन्नात को पैदा किया

खुश्क मिट्टी से जो कि सड़े हुए गारे की मिट्टी थी उससे हमने पैदा किया वल जान ना हो और हमने जिन को पैदा किया मिन कबल इंसानों की पैदाइश से पहले मिन नारी समूम आग की लिपेट से अल्लाह ताला ने बता दिया इंसानों को पैदा किया उससे पहले हमने जिन्नात को पैदा किया तो पहले उनकी पैदाइश हुई और अल्लाह ताला जिन्नात को पैदा किया उसका मकसद क्या है दोनों इंसानों और जिन्नात की दोनों की तखलीक का एक ही मकसद है वमा खलकुल जिन्नाबदून मैंने इंसानों को पैदा किया जिन्नात को पैदा किया सिर्फ मेरी इबादत के लिए सिर्फ मेरी इबादत के लिए देखिए अल्लाह ताला हम लोगों को पैदा किया उसका मकसद मालूम हुआ यहां पर इबादत मकसद है उसकी इबादत और जिन्नात के अहवाल में एक बात यह भी है कि जैसे इंसानों में मुख्तलिफ अकीदे वाले ही फरमा बरदार नाफरमान भी हैं ये सब जिन्नात में भी बिल्कुल हो बहु अल्लाह बहू अल्लाहबीन ने उनके अहवाल को उन्हीं के अहवाल को बयान किया कि वह खुद कहते हैं वह अन्ना मिन्ना सवाली होना वह मिन्ना दूना जालिका कुन्ना वह खुद जिन्नात कहते हैं कि हमें नेक हैं वह अन्ना साली होना हम में नेक हैं वह मिन्ना दूनाक और इसके बरअक्स भी हैं इसका उल्टा भी हैं नेक भी हैं बुरे भी हैं वह कुन्ना तो और हम मुख्तलिफ रास्तों में बटे हुए थे तो इसी चीज को लेकर मुफसरीन ने कहा यानी जिस तरीके से इंसानों में मुसलमान हैं काफिर हैं यहूदी हैं नसारा हैं मजूसी हैं बिल्कुल जिन्नत में भी ऐसे ही है और यहां तक भी कहा जिस तरीके से मुसलमानों में अकीदों का इख्तिलाफ है अकीदों में गड़बड़ियां किए बैठे हैं वैसे उनमें भी हैं अदरिया हैं मोतजिला हैं मुर्जिया हैं राफिजा हैं ये सब उनमें भी है और एक बात यहां पर यह है कि यह बड़ी काबिल गौर बात है आज जी लोगों के अकीदे बहुत बुरे हो चुके हैं लोगों का यह अकीदा है कि जिन्नात गायब की बातें जानते हैं जिन्नात गायब जानते हैं यह अकीदा है बहुत बुरा अकीदा है शिरकी अकीदा है बहुत गलत ख्याल है बिल्कुल बेबुनियाद बात है गलत बात है अकीदे की बात है यह किसी को गैब का इल्म नहीं है अरे फरिश्तों को नहीं है अंबिया को नहीं था जिन्नत को कैसे आ सकता है अल्लाह आलमीन ने फरमाया वंद हो मफाती गैब की कुंजियां अल्लाह ही के पास हैं उस एक अल्लाह ला शरीक के अलावा गैब कोई नहीं जानता हर सूरत में यही हमारा कैदा होना चाहिए अल्लाह तुरान मजीद में सुलेमान सला तो सलाम की मौत का जिक्र किया के फलमा कजोनाता

तो उनकी मौत की खबर जिन्नात को किसी ने नहीं दी उन, उन उनकी मौत हो गई है लेकिन जिन्नात को मालूम ही नहीं मालूम ही नहीं जिन्नात को सिवाय लकड़ी के अंदर जो कीड़ा खा रहा था वो कीड़े की वजह से उनको खबर हुई कैसे खबर हुई फल, फलम्मा हर्रा जब वो उनकी लाठी चीड खाने की वजह से खोखली हो गई उस वक्त वो गिर पड़े जिन्नु तब जाकर जिन्नात को मालूम हुआ कि वाकई ये मर के बहुत दिन हो गए अल्लाउ अल गैबा काश अगर वह गैब का इल्म रखते वो उन लोगों ने यह कहा काश गैब का इल्म हो जाता मा लबी फिल अज़ाबिल मुहीन ये जिल्लत वाले आजाब में इतनी देर तक नहीं रहते थे अल्लाह ताला का निजाम देखिए कैसा है उनके दौर में भी ये बातें बहुत आम हो गई थी कि जिन्नात को गायब का इल्म है जिन्नात को गायब का इल्म है ये बातें उस दौर में बहुत आम हो गई थी अल्लाह ताला उसका रद्द किया इस वाक्य से बता दिया कि देखो नहीं है उनको भी गायब का इल्म अफसोस आज के जाहिलों पर बाकायदा या अकीदा रखते हैं कि उनको गायब का इल्म है यह सब जो है जादूगर की कारस्तानियां होंगी जादूगरों काहनोंफ और शयातीन के ऐसे भी कारनामे हैं अब इसके बाद देखिए क्या जिन्नात की शादियां होती हैं जो बाकायदा होती हैं। दलील अल्लाह आलमीन ने फरमाया का जिन्नी इबलीस जिन्नात में से था जिन में से था फसक अमरी रबी ही अपने रब की नाफरमानी किया वो नाफरमानी क्या है सबको मालूम है अल्लाह ने सजदा करने का हुक्म दिया बोला मैं नहीं करता बहुत बड़ी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी किया अफात तिजू न हो वह जुर्रीयो अवलिया क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी औलाद को अपना दोस्त बना रहे हो होम लकुम मदुन वो तो तुम्हारे दुश्मन हैं बेसअल जालिमी न बदला जालिमों का बदला क्या ही बुरा है तो यहां पर क्या बात मालूम हुई इसकी औलाद औलाद कैसे होती है निका से होती है शादी से होती है तो उनकी शादियां भी होती हैं उनकी औलाद भी होती है और जिन्नत की किस्में कितनी हैं जन्नत की क्या क्या किस्में हैं जिन्नात की किस्में क्या क्या हैं इस ताल्लुक से जो है इब्न हिब्बान के अंदर एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासतु अशनाफिन जिन्नात की तीन किस्में हैं तीन किस्में हैं जिन्नात की सिनफुन लहुम अजनिहतुन यतीरून फिल हवा ये किस्म वो है जिनके पर होते हैं और हवा में उड़ते हैं व्यात उन व किलाबन यह किस्म हुआ है सांपों की शकल में और कुत्तों की शक्ल में हाँ इसकी तफसी में हदीसें बहुत ज्यादा हैं कि सांप का जिक्र कहाँ आया है कुत्ते का जिक्र कहाँ आया है यहां पर बात वह नहीं है कि सरसरी तौर पर जिन्नात का मुख्तसर तारुफ होना है क्योंकि इसके बाद अहम बाब है वह अहम बाप यह है कि जिन्नात और इंसान का ताल्लुक क्या है जिन्ना किस किस तरीके से आकर इंसान को तकलीफ देता है वो बयान करना है आइंदा इस वास्ते जो है हिस्सा अव्वल में सिर्फ मुख्तसर तारुफ है जिन्नत का तफसील में जाना नहीं है वह और तीसरी किस्म वो है जो मुख्तलिफ मुकाम पर पड़ाव डालते हैं और सफर में रहते हैं एक जगह नहीं रहते वो सफर में रहते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर पड़ाव डालते हैं अच्छा आमतौर पर जो है जिन्नात रहते कहां हैं? कहां रहते हैं जिन्नात जैसे इंसान इस जमीन पर रहते हैं ऐसे ही जिन्नात भी इसी जमीन पर रहते हैं लेकिन उमूमन वो चंद जगह ही वहां पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं जैसे अंधेरी जगहों में बोसीदा और गैर आबाद मकानों में बे गया मैदानों सहराओं बयाबान जंगलों पहाड़ों वादियों कब्रस्तानों में मसाजिदों में मसाजिद में कुओं में समंदरों में खेतियों में घास फूस के गोदामों में बिलों और सुराखों में मकानों की छतों पर दरख्तों में गारों में और इसी तरीके से खंदकों में घाटियों में ऊंट घोड़े जानवर बांधने के हाँ उन मकाम में बाड़ों में हमामों में इस किस्म की जगहों पर रहना वह ज्यादा पसंद करते हैं ये उनके हैं आप देखे होंगे रसोलस जो है बिलों में पेशाब करने से मना किए हैं इसी वजह से हर एक की तफसील है जैसे हमने कुओं का जिक्र किया समंदरों का जिक्र किया हदीस हम बयान भी कर चुके हैं तख्त बिछाने की हदीस ये सब मामला था और क्या जिन्नात को मौत आती है कुल नफसिन दाई मौत सबको मरना है जिन्नात को भी मौत आती है और जैसे हमारे लिए जन्नत और जहन्नम है जहन्नमकियामत के दिन नेक का नेकी का अंजाम नेक इंसानों का अंजाम जन्नत है बुरों का ऐसे ही उनके लिए भी है अल्लाह आलमीन ने फरमाया जहन्नमिनती वजमाइन मैं जरूर बा जरूर जहन्नम को इंसानों और जिन्नों से भर दूंगा हुँ? तो गोया जन्नत तो इससे यह भी मालूम हुआ बुरों की तादाद बहुत ज्यादा है बुरों की तादाद नाफरमानों की तादाद जिन्नात में भी ज्यादा है इंसान भी कुछ कम नहीं है, हाँ इंसानों की भी बराबर है तो ये जिन्नात का मुख्तसर तारुफ मैंने जो है मुख्तसर बातें लेकर आपके सामने आया क्योंकि इसके बाद जो है अहम बातें हैं कि इन ये जिन इंसान का दुश्मन है शैतान इंसान का दुश्मन है और वह दुश्मनी कहाँ कहाँ आके करता है किस किस तरीके से आकर आ करता है और इंसान को गुमराह करता है और इंसान को जो है जहन्नम में पहुंचाने की कोशिश करता है उसको हम आइंदा सुनेंगे अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए आमिन रहमतुल्लाहि व बरकातहू